मैं वकार समझ आया कि खाने फिर नीली क्यों खा। आज मैंने सोचा कि अपनी जो मैं क्या बताऊँगा, मुझे स्टोरी आ रही। ये स्टोरी एक स्पेशल बच्चे की स्टोरी है। इस बच्चे के साथ मेरी मुलाकात जीवन 2012 में हुई थी। तो है मुलाकात किस किस मेरी मुझक है, मगर जिसकी स्टोरी इसकी बात है वो ये है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये बच्चा स्पेशल बच्चा था, कैलिफोर्निया में सकता था। तो जब मेरी इससे मुलाकात हुई, मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई, गपशप हो गई, तो उसके पास वीडियो भी नहीं थी, वीडियो भी थी इसको। और इसने एक विश की कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं हैंग पम्प से पानी पीना चाहता हूँ। अब वो खड़ा नहीं हो सकता था और हवा में हैंग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, पैर हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने देखा इधर उधर हमारे घर के आस पास कहीं बाएँ कोई हैंग पम्प नजर ना आया। या फिर हमें पता चला कि गावी गया के किनारे ही हैंग पम्प है। हमने को खाया वहाँ लेके गए, तो एक मेरे दोस्त ने को अपनी गोद में खाया और उसने अपनी आँखों से हैंग पम्प चलाया और पानी पिया। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी की याद करें इसकी ख्वाहिश पूरी हुई। और जो उसकी अपनी आँखों में खुशी थी उसका मैं खा नहीं कर सकता। मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था, कुछ चीज़ें हमारी नज़र में बड़ी आम होती हैं, आँखों में ये क्या है, मैं वो चीज़ें उन लोगों की जो बहुत ख़ास होती हैं। जैसे एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आँखों से हैंग पम्प से पानी पीऊँ, शायद मारे को बड़ी बात ना हो, मगर उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। छोटी छोटी खुशियाँ किसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशियों का सबब बनती है, बड़ी खुशी का सबब बनती है। मैं आखिर यही कहूँगा लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ देने की कोशिश करें, आगे उसके बगल में आपको भी अगर खुशियाँ देगा, खुशियाँ मांगें, खुशियाँ दें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।